नशा मुक्त भारत। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में इंटरस्टेट बाइक रैली का इनेकाद किया गया। एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने और मरकजी हुकूमत के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंशात को ना कहने के पैगाम को फैलाने के लिए जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में एक इंटरस्टेट बाइक रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली को जिसमें मुख्तलिफ रियासतों के 35 बाइकर्स और कुछ NRI ने हिस्सा लिया था को ADC दिलमीर चौधरी और ASP विनोद शर्मा ने टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर भद्रवाह से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भद्रवाह वादी के मुख्तलिफ इलाकों और भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट सड़क पर खनी टाप और पदरी मीडो जैसे ऊंचाई वाले मैदानों से गुजरने के बाद शाम को बाइक सवार हिमाचल प्रदेश के लंगेरा गांव में दाखिल हुए। बाइक रैली का मकसद बुनियादी तौर पर मंशात के इस्तेमाल के बारे में बेदारी पैदा करना और एडवेंचर हॉक्स जम्मू व कश्मीर टूरिज्म और महकमा सेहत और मेडिकल एजुकेशन भद्रवाह ने मुश्तरका तौर पर एडवेंचर टूरिज्म के इम्कानात को जाहिर करना था। मेरा नाम संजीत है एंड मैं बेस्ड इन दुबई में हूँ। मैं मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा हूँ। 3 साल हो गए मेरे को, 3 से 4 साल हो गए वहाँ पे। तो इस टाइम अभी मैं वेकेशंस पे आया हुआ था, तो मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि रैली ऑर्गेनाइज की हुई है यहाँ पे एडवेंचर हॉक्स वालों ने। तो मुझे लगा कि मेरे को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज इसका बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। लाइक नो तम्बाकू है, नो अल्कोहल है, नो ड्रग्स, नो स्मोकिंग करके बहुत सारी चीज़ें हम जो है कि लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं इसके बारे में। बाकी कुछ मेडिकल स्कीम्स के बारे में भी है, ऐसा है कि हमें कुछ लोगों को पता ही नहीं उनके बारे में। लाइक आयुष्मान भारत करके एक स्कीम है, उसके लिए कुछ कार्ड्स वगैरह बनते हैं, तो उसके लिए लोगों को अवेयर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। एंड लाइक एवरीबॉडी वी आर डूइंग लाइक दैट, बट कुछ लोगों को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए हमें अवेयर करना पड़ेगा उन लोगों को। एडवेंचर ट्रेनिंग को प्रमोशन मिलेगी इस तरह की, जिस एरिया से ले जा रही है, इंटरस्टेट रैली है ये? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टेड रैली है। लाइक हमारे जो राइडर्स हैं वो बहुत पुराने राइडर्स हैं, लाइक कुछ तो मेरे क्लासमेट्स भी हैं इस रैली में, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये तो अभी हमने शायद दूसरा या तीसरा रैली जा रहा हमारा यहाँ से, तो पहले भी हमें बहुत अच्छा इसका वो मिला था एंड आगे भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं तो इसको मैं खुद ही प्रमोट करने के मैं हूँ कि मैं आगे इसको थोड़ा सा आगे प्रमोट करूँगा इंटरनेशनल लेवल पे। मेरा नाम सलीम अहमद है, मैं भद्रवाह का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ एडवेंचर हॉक का, जिन्होंने ये रैली जो है ऑर्गेनाइज की हुई है। ये हमारे लिए एक मौका है ये राइड करने का, बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट के लिए इवेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसमें हमें अपने टूरिस्ट स्पॉट्स जो हमें गॉड गिफ्टेड हैं हमारे भद्रवाह में, तो उनको एक्सप्लोर करने का ज़रिया बन चुका है, बन गया। और उसके बाद इसको जो हमारे मीडोज़ हैं, जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको देखने का मौका मिलता है। और उसके बाद जब हम उनको वहाँ पे जाएंगे, टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, तो उनको चाहिए कि एक फुल एंजॉय करें नेचर का। उसके बाद जो है थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने बायो बैग साथ ले लें, वहाँ पे पोल्यूट ना करें। तो बहुत अच्छा इवेंट होने जा रहा है, जिस इस रैली का मकसद जो है एक तो ये है कि यूथ जो है अपने घरों से बाहर आए, जो एडिक्शन यहाँ पे एक बुरी लत लग चुकी है हमारे यहाँ पे ड्रग्स की, उससे बाहर आ जाएं, उसके बाद मोबाइल एडिक्शन से बाहर आ जाएं, ताकि नेचर को एंजॉय कर सकें और फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेकर अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, आयुष्मान भारत है, उनके उस स्कीम के तहत उन्होंने एक गोल्डन कार्ड्स वगैरह जो हैं अपने सिटीजन्स के लिए रखे हैं,
उनकी फैमिली के हेल्थ रिगार्डिंग जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जाती हैं थ्रू गवर्नमेंट कार्ड्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हर एक को चाहिए कि जो है फैसिलिटीज़ अवेल करें और इन स्कीमों का फ़ायदा उठाएं और ऐसे ऐसे इवेंट्स में आएं ताकि हमारा जो है यूथ जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ रागिब हो, ड्रग्स छोड़ दे और उसके बाद जो है मोबाइल एडिक्शन छोड़ दे, बुरे काम छोड़ दे। जो यह है कि जिससे बहुत से बेनिफिट्स हैं, टीबी मुक्त हो जाएगा इंसान, जो है टीबी मुक्त भारत जो बनेगा इंशाल्लाह रहमान, यह है कि बहुत सी बीमारियों से हम बचेंगे। जब हम नेचर की जो हवा जो है अपने अंदर इनहेल करते हैं तो 100 बीमारियां ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि ऐसे इवेंट्स में हिस्सा ले लें और ऐसे प्रोग्राम्स में आएं और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें ताकि हमारी सेहत भी अच्छी रहे और हम नेचर को फुली एंजॉय कर सकें। भद्रवाह चूँकि J&K के मैप पे एक बहुत अच्छी और मशहूर टूरिज्म प्लेस जो है वो डेवलप हो गई है, हो रही है, तो आप देखते हैं कि हर महीने में रहकर हर वीक में कोई ना कोई एक्टिविटी यहाँ जो है टूरिज्म के रिलेटेड होती रहती है। तो आज ये बाइकर्स रैली जो है यहाँ से हिमाचल के बॉर्डर तक जा रही है लंगेरा तक, तो एक तो इसका पीस है, हारमोनी है और से नो टू ड्रग्स, नशा मुक्त जो है वो कैंपेन है, से नो टू टोबैको, से नो टू ड्रग्स, लेकिन मेन जो है वही टूरिज्म की एक्टिविटी है। और आपने देखा कि पिछली बार हमारे पास यहाँ से दिल्ली से जो है वो 30 बाइकर्स की एक टोली आई हुई थी, वो भी यहाँ से पूरा जो एक्सप्लोर करके गए हैं। अब हमारे यहाँ के लोकल बाइकर्स जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, भद्रवाह TRC में हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से अभी ये जा रहे हैं, नाइट स्टे इनका लंगेरा होगा और कल फिर वापसी होगी। तो टूरिज़्म एक्टिविटी है, पब्लिसिटी के लिए है। बाकी जो आपके माध्यम से बाकी लोग भी सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भद्रवाह एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत प्लेस है, आप आएँ, चाहे बाइक लेके आएँ, गाड़ी लेके आएँ, परिवार के साथ आएँ, एडवेंचर टूरिज्म के लिए आएँ, ट्रैकिंग के लिए आएँ, लेकिन भद्रवाह ज़रूर आएँ, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है।